अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो अभी यहाँ पर ना मैंने इकरा के ये खिलौने निकाले हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूँ। तो मैं इसको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए इकरा का कितना ब्यूटीफुल सा किचन सेट है, तो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज़ देखिए, ये है इकरा का ब्यूटीफुल सा किचन सेट है। यहाँ पर ना इस तरह के वो दिए है, चूल्हे दिए हैं। तो यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइट ओपन होती है और इस तरह से जलता है। यहाँ पर एक ओवन दिया है, यहाँ पर देखिए उसके साथ सारे खिलौने वगैरह भी दिए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने हैं, इस पे हम रख के उसको खाना वगैरह पका सकते हैं। यहाँ पर छोटू सा वॉश बेसन दिया है, देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह के कबर्ड दिए है और ये कबर्ड के अंदर ना स्टिकर लगा हुआ है। मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, इसके अंदर स्टिकर लगा हुआ है, बर्तन मतलब होते हैं इस तरह का। यहाँ पर भी एक कबर्ड दिया है, यहाँ पर भी दिया है कबर्ड, मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस देखें, यहाँ पर इस तरह का कबर्ड बना हुआ है और यहाँ पर इस तरह से उसके साथ बर्तन दिए हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये खाना पक रहा है देख सकते हो आप, तरबूज भी है। यहाँ पर हम ये खाना रेडी हो गया है। यहाँ पर ओवन दिया है, ओवन के अंदर पिज्ज़े का स्टिकर बना हुआ दिया है। और यहाँ पर भी देखिए इस तरह का कबर्ड है। यहाँ पर छोटा सा वॉश बेसिन दिया है और यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का स्टैंड वगैरह दिया है। और ये देखिए इकरा ने तोड़ डाला है, तो यहाँ पर इस तरह का नैपकिन टंगाने के लिए दिया है। वैसे ही निकल जाता है, इकरा की कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर ये भी निकल गई है, उसको हम लगा देंगे। ये है किचन की रैक, सॉरी ओवन की रैक है छोटी सी। तो ये है प्यारा सा इकरा का मिनी किचन। तो आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं अम्मी के घर पे, और यहाँ पर अपिया जो है कि कपड़ों का अंबार लगाकर बैठी हुई थी, ये बेच नहीं रही थी। इन्होंने अभी अभी जस्ट उनके न्यू घर में शिफ्टिंग की है, तो उन्होंने अपने जो पुराने वगैरह ड्रेस थे, तो सारे के सारे ड्रेस जो हेल्पर आती है हमारी, उन्होंने बहुत ही इनकी हेल्प की न्यू घर में शिफ्ट करने के लिए। तो ये सारे ड्रेस हेल्पर को अपिया दे रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत जल्दी आपको अपिया के न्यू घर का भी ब्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे करंदे लगे हुए हैं पेड़ पे, तो अब हम यहाँ से तोड़ेंगे। देखो सो गाइस देखिए, हमने इतने तोड़े हैं करंदे और हमको मक्खी हैरान कर रही है। तो अभी अम्मी निकाल कर बैठे थे उनके सारे अबाया, और उसके ऊपर मैच कर रहे थे उनके जो उनके पास पड़े हुए थे अबाया के स्टॉल। तो यहाँ पर मैं उनकी हेल्प कर रही थी कि कौन सा स्टॉल कौन से अबाया पे मैच हो रहा था। कोई कोई मैच हो रहे थे, कोई कोई नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर अम्मी के पास अबाया का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। ये सारे अबाया हमने लिए थे अहमदाबाद से ही। तो आपने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो जल्दी से जाकर देखेगा ज़रूर, और हो सकेगा तो मैं यही वाला व्लॉग जो कि अहमदाबाद से हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं वो वाला व्लॉग मैं एंड स्क्रीन पर ज़रूर लगा दूँगी। वहाँ पर जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं उनकी हेल्प कर रही थी, और यहाँ पर अली और इकरा भी खेल रहे थे। तो बाकी के अबाए में जो दुपट्टे हैं यानी कि स्टॉल है वो मैच हो गए थे और बाकी के नहीं हुए थे। तो अम्मी ने बोला था कि भाई हम यहाँ से भी ले लेंगे, हमारे यहाँ पर मिल भी जाते हैं। तो फिर हमने बस जितने हुए उतने ही। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किचन में, फिर हमने मंगा लिए थे पिज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा लगी थी भूख। तो फिर फारूक लेकर आया था पिज़्ज़ा, और यहाँ पर फारूक मुझे बहुत परेशान कर रहा था, प्याज का छिलका लेकर बोल रहा था देखो ये कॉकरोच कॉकरोच। और फिर यहाँ पर हमने मंगाए थे 8 या 10 पिज़्ज़ा, और फारूक ने देखे मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया है, ये ऐसा ही करता है मेरे साथ, बहुत ही बदतमीज़ है ये। सो गाइज अभी हम खा रहे हैं गोला, ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोला जो कि इकरा के पापा कल लेके आए थे। तो मैंने उसको गीज़र में यानी कि फ्रीज़र में रख दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं और इकरा भी इसको इंजॉय करेंगे। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, फिर भी हम उसको तोड़ फोड़ के खाएंगे ज़रूर। तो आइए हमारे साथ ये
इंजॉय कीजिए। और इकरा को मैंने देखिए पहला सेट कर दिया है ताकि वो अपने कपड़े गंदे ना करे। तो ठंडी गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोला, आइसक्रीम वगैरह किस किस को अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।